हेलो फ्रेंड। तो गाइज आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक की बात करने वाले हैं जो टॉपिक आप लोगों को बहुत पसंद है। तो गाइज आप मौज ऐप पे लाइव आके महीने के 6000 से लेकर 12000 रुपए तक पैसे अर्न कर सकते हो और गाइज इस ऑफर का हर कोई लाभ उठा सकता है। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, मीन्स आपके इंस्टाग्राम के कितने फॉलोअर्स है, आपके अदर प्लेटफॉर्म पे कितने फॉलोअर्स है। तो करना क्या है गाइज, करना बहुत ही आसान है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है जिसको फिल करना है। बट गाइज फिल करने से पहले गाइज कुछ पॉइंट है जिसे आपको रखना होगा ध्यान, तभी आपके होंगे सिलेक्शन मौज लाइव पे। ठीक है, तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक गाइज। गाइज जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल मौज ऐप पे लोग बहुत सारे पैसे अर्निंग कर रहे हैं, वो मीन्स के तौर पे या फिर लाइव आके। जी हाँ गाइज, इसमें आप भी अर्न कर सकते हो महीने के 6 से 12000 रुपए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज कि इसे पार्टिसिपेट हर कोई क्रिएटर कर सकता है, चाहे वो न्यू क्रिएटर हो या फिर पुराना। तो गाइज इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम लोगों को समझना होगा। तो गाइज इस महत्वपूर्ण पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट एंड जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इसी के बेसिस पे आपके सिलेक्शन होंगे मौज लाइव में, तो वो है गाइज ऑडिशन। मतलब कि अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करने होंगे देन आपको एक ऑडिशन वीडियो बनाने होंगे। ठीक है, तो ऑडिशन वीडियो बनाने के लिए भी गाइज आपके पास 3 ऑप्शन है। तो गाइज इसमें से सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप खुद का ऑडिशन वीडियो शूट करो जो कि 2.5 से 3 मिनट के बीच का होना चाहिए। देन आप वीडियो को उस फॉर्म में अपलोड कर दो एंड उसका जो साइज जो होगा ना वो 100 MB के आसपास हो, मतलब 100 MB से कम का ही बनाना है, देन वहां पे अपलोड करने होंगे। देन गाइज कुछ लोग ऐसे होंगे उन्हें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो ऑडिशन वीडियो खुद का शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है, वो ये है कि गाइज अगर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी आप लाइव आ रहे हो या फिर आपके पास किसी प्रकार का 3 मिनट या 2.5 मिनट का वीडियो है तो आप उस वीडियो को आप डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो जिसके साइज जो होंगे वो 100 MB के आसपास होंगे। ओके, देन गाइज हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। तो गाइज आपके पास एक और मौका है, आपके पास एक और ऑप्शन है, वो ये है कि गाइज आप अगर पहले से ही किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आप पार्टिसिपेट करो, वहां पे लाइव आ रहे हो, तो करना कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मली लाइव आना। देन आपके जो 3 मिनट के जो वीडियोज होंगे, ठीक है, आप 3 मिनट जो लाइव आओगे उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद आपके जो ऑडियो क्लियर ऑडियो के साथ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। देन गाइज आप इस फॉर्म में उस वीडियो को अपलोड कर देना जिसके साइज 100 MB के कम होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा लोग हैं तो वहां पे अपलोड नहीं होंगे, कुछ एरर्स होंगे। सो गाइज इस चीज का आप ख्याल रखना। तो गाइज मैं यहाँ पे आप सभी को सजेस्ट ये करना चाहूंगा कि गाइज आप अगर खुद का ऑडिशन वीडियो क्रिएट करते हो अपने कैमरा ओपन करके 2.5 से 3 मिनट वीडियो बना के, देन आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के। ठीक है, एंड आप ये सोचोगे ना भाई कि 2 से 3 मिनट के मैं क्या क्या बोलूं, तो ऑलरेडी गाइज जब फॉर्म जब फिल करोगे ना, जब आप फॉर्म को लॉगिन करोगे, जब फॉर्म आपके सामने खुल जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स है, लाइक टेल मी योर सेल्फ, लाइक कि आपके कैटेगरी क्या है, ये वो। तो गाइज आप खुद से 2.5 से 3 मिनट आराम से बोल सकते हो, या फिर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एक इंट्रो वीडियो है, एक ऑडिशन की वीडियो है, आप उसे भी प्ले करके देख सकते हो एंड आप अपना ऑडिशन वीडियो बना सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं ये जो लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन है, मतलब ये जो ऑफर जो है इसका लाभ कौन कौन उठा सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि हर कोई इसका लाभ उठा सकता है गाइज, बस जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिनको फंडिंग नहीं मिल रहे हैं, जिसको फंड मिल रहे हैं MFC या मेंस की ओर से, वो अपने आईडी से फॉर्म को फिल ना करे, अन्यथा आप फिल कर सकते हो। या गाइज आप चाहते हो कि हाँ मैं एक न्यू आईडी क्रिएट करके इस फॉर्म को फिल कर दूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो गाइज, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बट यहाँ प्रायोरिटी ये रखा गया है कि आपके जो अकाउंट जो होंगे, आपके जो प्रोफाइल जो होंगे वो ओरिजिनल होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्टेटस वीडियो किसी और की वीडियो अपलोड करते हैं, तो अगर आप चाहते हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, आपके चांसेस बन सकते हैं, बट सियोरिटी है नहीं। तो गाइज अब चलते हैं कि हमें लाइव कितने दिनों तक करना है एंड जो इनकम है वो कैसे होते हैं। जैसे कि गाइज मैंने पहले ही बता दिया कि आपके मंथली इनकम 6000 से 12000 रुपए तक के होंगे एंड गाइज आपको महीने में कम से कम 12 लाइव एक्सेस करने ही होंगे और एटलीस्ट 45 मिनट्स के जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो आपको करने होंगे। मतलब ये आपके मिनिमम ये आपके मिनिमम लिमिट है कि 45 मिनट आपको लाइव आने होंगे, आप इसके ऊपर भी आ सकते हो। ठीक है, सो गाइज इसके अलावा भी कुछ और भी जानकारी जो फॉर्म में दिया गया है, तो गाइज इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करें एंड जो कुछ यूजफुल पॉइंट है जहाँ पे मुझे क्या फिल करना होगा नहीं करना होगा। सो गाइज लेट्स गो।
तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये वो फॉर्म है एंड इस पे जो भी डिटेल्स मैंने बोला था वो सारा कुछ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। एंड ये सैम्पल वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, एज लिखना है, जो मौज का प्रोफाइल लिंक है वो लिखना है, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके ऑडिशन वीडियो के बारे में, तो मैं यही वो पॉइंट बोला था एंड इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। तो ये करना एंड जो आपकी वीडियोस के साइज होगा वो 100 MB के आसपास ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर ऑडिशन को शूट नहीं करना चाहते हो तो यूट्यूब इंस्टाग्राम के जो वो वीडियो 3 मिनट का है उसका लिंक आप यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हो, या वो भी नहीं देना है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि आप लाइव आ रहे हो वहाँ का स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट है एनी अदर लाइव ऐप प्रोफाइल लिंक आप यहाँ पे दे दो, एनी अदर लाइव ऐप फॉलोअर्स है तो यहाँ पर आप दे दो, इंस्टाग्राम का लिंक देना, कितने फॉलोअर्स है वो देना, जेंडर देना, लैंग्वेज देना एंड जो आपके कैटेगरी है, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से जो ब्यूटी एंड फैशन में जाते हैं उसके बाद लिखा है सब जनरल, मतलब कि इसके अंडर में आप किस चीज़ से आप रिलेटेड बनाते हो, जैसे कि हम कोरियोग्राफर, मैजिशियन, इंस्ट्रूमेंट, फ्रेम बर्स, मतलब जैसे हम यहाँ पेंटिंग ही लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेंटिंग सर्च किया, इस तरह से आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में भी आपका मेन कैटेगरी क्या है वो आपको नीचे लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है डेमोग्राफी, अगर आप कहाँ से हो, अर्बन हो, सेमी अर्बन हो, रूरल हो, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। एंड व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी एंड जो रेफरेंस में, रेफरेंस में आपको विजय ठाकुर टैग, बिकॉज मेरे रेफरेंस आप जा रहे हो तो विजय ठाकुर टैग इसको आप प्रेस करना ना बोलना, ठीक है, एंड किसी अदर पे क्लिक मत कर देना। देन यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे।